हमने दुमका विधानसभा चुनाव को छोड़ा और पूरी आशा और भरोसा के साथ फिर से दुमका विधानसभा हम लोग अपने साथ में लेके चलेंगे। और जल्द से जल्द पूरी विधानसभा गठित हो। सबसे पहले तो आप सभी इस थोड़ा सा नीचे कर विधानसभा शुभारंभ कार्यक्रम में आप लोग गवाह बनने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया और आभार प्रकट करते हैं। आप सब लोगों को भी मैं जवाब करता हूँ और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने आज फिर से इस राज्य की अरे चचा सरकार और विधानसभा का विधिवत रूप से माननीय सभी विकासी दल निर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण किया और इसी दौरान आज आने वाले 5 साल के लिए अध्यक्ष का भी नामांकन हुआ है। इसमें रविन्द्रनाथ महतो जी को नामित किया गया है। उनका नामांकन और पर्चा भरा गया विधिवत रूप से उनका शपथ ग्रहण हुआ और अब पूर्ण रूप से इस विधानसभा सत्र के बाद सरकार अपनी गतिविधियों में और अपने कार्यों में लगेगा। आज इस उत्साह भरे दिन के लिए मैं संपूर्ण विधानसभा के कर्मचारी हमारे नवनिर्वाचित माननीय सभी विधायक को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आने वाला समय में हम सब मिलकर इस सदन की गरिमा अक्षुण रखते हुए राज्य के लिए विकास के रास्ते कोशिश करेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक करेंगे हेमंत जी? मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक करेंगे? हमने क्योंकि मैं 2 विधानसभा से चुनाव लड़ा था और दोनों विधानसभा में लोगों ने अपना प्यार और सम्मान दिया। मैं परेड विधानसभा के लोगों का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा, मतदाताओं का आभार प्रकट करना चाहूंगा और दुमका विधानसभा के मतदाता और वहां के लोगों को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मुझे एक सीट त्यागना था जिसको लेकर हमने अपने इस राज्य के वीर भूमि
सिद्धू कानू के जन्म स्थल, उनके शहीद स्थल भोगनाडी बरहेट को चुना है और हमने दुमका विधानसभा चुनाव को छोड़ा है और पूरी आशा और भरोसा के साथ फिर से दुमका विधानसभा हम लोग अपने साथ में लेके चलेंगे। और जल्द से जल्द पूरी विधानसभा गठित हो और दूसरी कोई प्रत्याशी तो अभी है नहीं। रेटिफाई करा के उस बिल के खिलाफ वहाँ से भेजा गया, तो क्या उस तरह का आप लोग भी कुछ करेंगे यहाँ पे? कल भी वहाँ पे जो है वायलेंस भाग है। आज देश का लगभग कई शैक्षणिक संस्थाएं, एक नहीं अनेकों शैक्षणिक संस्थाएं ठप हुई पड़ी हैं, आंदोलित है। सरकार के, केंद्र सरकार के नीतियों के विरुद्ध लोग सड़कों पर हैं और जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्था में जो कल घटना घटी है, निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। सर, एंग्लो इंडियन एमएलए का प्रतिनिधित्व देंगे क्या इस बार? समझ बात आई है जी, हम आपको इस विषय पर समय आने पर नौसाजी सर आ रहा। बहुत सारी घटनाएं होती हैं। बाया हुई है।